ये कांग्रेस पार्टी के आपसी अंतर्कलह है और अंतर्कलह के कारण ही ये सब एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। और वैसे तो उनका आंतरिक मामला है, लेकिन पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार तो फ्लॉप हो ही चुकी थी। 5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ विश्वासघात कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था, छलावा किया था और जनता आक्रोशित थी और उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा है। जो पूर्व विधायक रहे हैं, कई ऐसे नेता जो हैं कांग्रेस के, वो पैसा लेने देने का भी आरोप लगा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जो प्रदेश प्रभारी पर भी आरोप लगा रहे हैं। अभी उनका मामला है, अब वो लोग समीक्षा करें जो भी करें। अब कांग्रेस पार्टी अब पतन की ओर है। अब इस बार 2 राज उनके हाथ से फिर चला गया, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। और हमारे मोदी जी का तो सपना है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है और उस ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो कांग्रेस की ये जो अंतर्कलह थी, जो अंदरूनी मतभेद था, वही वजह थी कांग्रेस को हारने की? वो भी था और उनकी विफलता भी थी। 2018 के चुनाव में जो वादे किए थे छत्तीसगढ़ की जनता से, 5 साल काम करने का इनको अवसर मिला, लेकिन कोई काम नहीं किए। और सभी वर्ग 2018 में एक बड़ा जनादेश दिए थे, विश्वास किए थे और छत्तीसगढ़ की जनता के साथ विश्वासघात किए, उसी का परिणाम है। कल छत्तीसगढ़ विधायक दल की बैठक है, कौन कौन आ रहे हैं पर्यवेक्षक नियुक्त किए, इसके बारे में? पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी केंद्रीय मंत्री, आदरणीय श्री सर्वानंद सोनोवाल जी केंद्रीय मंत्री और आदरणीय श्री दुष्यंत गौतम जी, तीनों पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं। कल विधायक दल का बैठक आहूत है। सीएम का नाम कब तक आ जाएगा? अब देखिए, कल पर्यवेक्षक आ रहे हैं, विधायकों के साथ बैठक करेंगे, रायशुमारी करेंगे, उसके बाद होगा। स्टे विद द टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर न्यूज ब्रेक्स, एनालिसिस, इंटरव्यूज एंड इवेंट्स। वी ब्रिंग यू स्टोरीज फ्रॉम योर नेबरहुड एंड फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब एज वेल। Subscribe to our YouTube channel, hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.